आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिए थे, और इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे, मींस पाइथागोरस का अपोजिट, उल्टा। तो देखो हम लोग का टॉपिक क्या है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, टॉपिक तो हम लोग का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, हम लोग का एक ट्रायंगल है जो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल है किसके, टू द सम, सम इज एट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मींस सम होगा दो साइड को जोड़ो और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, फिर ऐड करो, इक्वल होना चाहिए वन साइड स्क्वायर पे, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं आपको एक बनाकर बता देता हूं, अगर एक हम लोग को ट्रायंगल क्या लेट किए, सपोज मान लो ये ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, ये है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो गिवन में क्या होगा, इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ए बी सी में, यही क्या बोलता है हम लोग को, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, आपका पाइथागोरस अपोजिट, तो मींस हमारा स्क्वायर होगा वन साइड, मींस ए सी, तो हम लोग को क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दो साइड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, तो हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे ये हम लोग को क्या दिया है, ये हम लोग को दिया है, बट हम लोग को बताना है, देन द राइट इज द क्या है, हम लोग को देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वे हम लोग का क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, जो हमारा ए होगा वे किसका होगा, 90 का होगा, क्या होगा, वे 90 का होगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे नहीं यहाँ 90 का, वे इसको हम लोग को लाना है, तो हम लोग को प्रूफ में क्या करेंगे, हमारा जो एंगल होगा कौन सा, ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके दिखाना है, तो कंस्ट्रक्ट हम लोग कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, एक इसी हिसाब से ट्रायंगल लेंगे, सेम कौन सा ट्रायंगल बना देते, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये हम लोग क्या बना देते, 90 का, ये देखो बनने के बाद, अब आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर हो गया, तो हम लोग इसको ड्रॉ किए एक ट्रायंगल, ड्रॉ इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ड्रॉ किए पी क्यू आर, तो आपको इसमें कुछ दिखेगा क्या, हाँ, तो हमारा देखोगे ए बी बराबर होगा पी क्यू के, सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर हमारे किसके, पी क्यू के, ए होगा, और हमारा जो बी सी बराबर होगा किसके, क्यू आर के, ए होगा, और एक हम लोग को क्या दिया, हमारा जो एंगल है पी क्यू आर इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये है हम लोग का, इतना होने के बाद आपको पता चलेगा, अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल से ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल जो भी हमारा है, डायरेक्ट लिखो ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में आप एक देखोगे तो आपको क्या दिया, एंगल हमारा जो क्यू है इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, पता है आपको, कंस्ट्रक्शन से हम लोग को पता चल गया हमारा क्यू कितना है, 90 डिग्री का, तो हम लोग को क्या पता चलता है, जब 90 डिग्री का, तो हम लोग कुछ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम कर रहे थे, इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर, इधर रीजन में आप लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख दिए कहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम है, तो अब इसको आप क्या करोगे, देखो आप पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर है, तो आप पी क्यू की जगह ये भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, मैं ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते, यस बी सी का स्क्वायर लिख दिए, खाली आप क्या किए, जो हमारा इक्वल है पी क्यू इक्वल टू ए बी है एंड हमारा क्यू आर इक्वल टू बी सी, तो वही लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, जब ए इक्वल है तो मीन्स ए स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर होगा, ए होगा तो आप एक चीज देखोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हम लोग को लिख सकते ए सी का स्क्वायर, यहाँ रीजन में क्या लिख सकते हो, गिवेन, क्या लिख दोगे, गिवेन लिख दोगे, अब गिवेन लिखने के बाद आपको एक चीज पता चलेगा, हमारा पी आर स्क्वायर है ए सी के, तो हम लोग का एक ट्रायंगल भी है, तो हम लोग इसको इसे स्क्वायर हटाकर पी आर इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारा जब देखो हम लोग का दो ट्रायंगल, जो हमारा ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, इधर देखो ए बी इक्वल है पी क्यू के और हमारा बी सी इक्वल है क्यू आर के, अब हम लोग का आ गया क्या, आ गया पी आर, मीन्स हमारा पी आर जो है पी
आर इक्वल है ए सी के, तो हमारे ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। किस हो जाएंगे, देखो ट्रायंगल जो हमारा क्या है ए बी सी इक्वल हो जाएंगे किसके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कैसे हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसे साइड 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 टेस्ट से, क्योंकि उसके सब चारों तीनों साइड क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब हमारा तीनों साइड सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग का एंगल जो होगा, देयर फोर हमारा जो एंगल होगा ए बी सी इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, हमारा जो भी रहेगा क्या रहेगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करके। तो बट यहाँ पर हम लोग इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि इक्वल आना, कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना हम लोग को, क्या करना इक्वल। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, एक नॉर्मल सा आपको डिटेल में और समझा देता हूँ एकदम क्लियर, आपको जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ही पढ़ रहे हैं आप। पाइथागोरस अभी प्रीवियस लेक्चर देखे रहोगे तो आपको समझ में आ रहेगा, हम लोग लास्ट में प्रूव कर रहे थे किस चीज को, इस चीज को, हमारा जो है थ्योरम है इसको लाना है। तो बट इसमें हम लोग को इसको नहीं लाना है, हम लोग को 90 डिग्री है इसे बताना है। तो देखो क्या, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल होगा किसके, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, देन द क्या है, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम लोग को गिवन में ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें से हम लोग को ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, कहां से हमारा क्या है, एक साइड का स्क्वायर होगा सम होगा दो साइड्स का और वे दोनों भी स्क्वायर होंगे, तो ये होगा गिवन। अब हम लोग को टू प्रूव में क्या करना है, जो हमारा ट्रायंगल होगा कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, देखो देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग का प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट हम लोग कुछ करेंगे, क्या करेंगे पी क्यू आर ऐसा क्या करेंगे अपने से करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर को। तो आप ध्यान से देखो कि हमारा पी क्यू इक्वल है ए बी के, तो लिखा ए बी इक्वल है पी क्यू के, तो हमारा बी सी भी इक्वल होगा क्यू आर के होगा, बट हम लोग इसको हाइपोटेन्यूस के इक्वल नहीं बता सकते। तो बट हमको पता हमारा जो पी क्यू आर है क्यू हमारा क्या 90 डिग्री का है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा क्यू 90 डिग्री का है, तो हम लोग को थ्योरम पता है पाइथागोरस का, जब हमारे 90 का है तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो हम लोग को कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम लोग को पता चला पी क्यू जब हमारा इक्वल है ए बी के, तो ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और हमारा क्या है क्यू आर इक्वल है बी सी के, तो हम लोग यहाँ बी सी का स्क्वायर, जब हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर, कहाँ से गिवन से रीजन में दे दिया हूँ। अब उसके बाद हमारा था पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा पी आर इक्वल टू ए सी, जब हमारा तीनों साइड ए बी एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो आप ध्यान से देखोगे हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, कहां से हमारा जो भी है साइड साइड टेस्ट से, तो हमारा साइड साइड टेस्ट से हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, देयरफॉर हमारा ए बी सी इक्वल होगा किसके पी क्यू आर के इक्वल टू हमारा 90 एंगल। तो यही हम लोग का क्या था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था। तो ये वीडियो आपको जहां तक होगा अच्छे से समझ में आया रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और समझ में आया रहेगा, तो इस चैनल पे आप नए आए रहोगे तो चैनल को भी क्या कर देना लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आगे वाली नेक्स्ट जो भी ऐसे नॉलेजबल वीडियो रहेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। तो इसके लिए जो बेल आइकन रहेगा उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा प्रेस करना पड़ेगा, तो कर लीजिए।